वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, कैसे हैं आप सभी बच्चों? होप सो ऑल आर वेरी गुड एंड ऑल्सो इन्जॉइंग योर ऑनलाइन स्टडीज। डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम हियर विद योर न्यू वीडियो। टुडे इन दिस वीडियो आई डिस्कस अबाउट दैट योर चैप्टर 14 सिंपल पास्ट टेंस। सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 56 फर्स्टली एंड रीड केयरफुली अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। ओके बच्चों, आज हम ज़्यादा समय लेते हुए नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम जल्दी से बताएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है इजी वे में। ओके, क्योंकि आपने टेंस पढ़ा है कि टेंस कितने होते हैं, कितने बच्चों को पता है टेंस कितने होते हैं? ओके वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है कि टेंसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट टेंस, ओके, सेकेंड होता है आपका पास्ट टेंस एंड थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। इतना सभी बच्चों को पता होगा ना कि टेंसेस कितने होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे कि जब भी आपको टेंस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए टेंस मींस होता है समय, काल, ओके, और ये 3 होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो चीज़ें हो चुकी है वो प्रेजेंट है, सॉरी बेटा, जो चीज़ें हो चुकी है उसे हम पास्ट कहेंगे, ओके, पास्ट होगी, और जो चीज़ें चल रही है वो प्रेजेंट है, और जो चीज़ें होने वाली है वो है फ्यूचर, ओके। और इस तरीके से हमने प्रेजेंट टेंस को तो अभी पढ़ लिया है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है? ओके, तो सिंपली आप बताएंगे द वर्ब दैट स्पीक अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड। हैपेंड मतलब हो चुका है, सम टाइम एगो, इट मीन दैट कुछ समय पहले, इज इन पास्ट टेंस। ओके, डेफिनेशन में बच्चों आपको इतना ही लिखना है, इतना आप लिखेंगे व्हाट इज पास्ट टेंस, जैसे आपसे पूछा जाता है पास्ट टेंस क्या है। ओके, तो इस बात का ध्यान देंगे तो आपको बस इतना ही राइट करना है आज कॉपी में। क्या लिखेंगे? द वर्ब दैट स्पीक अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड सम टाइम एगो इज इन पास्ट टेंस, वह पास्ट टेंस में होता है। ओके, और इसमें क्या होता है, मेन चीज क्या होता है, जो वर्ब होता है, ओके, वर्ब में हम डी और ई डी ऐड करते हैं। जैसे आप प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, तो प्ले मीन्स आप खेल रहे हैं, लेकिन आप खेल रहे थे तो उसका हो जाएगा प्लेड, तो आपने सीधे इसमें ई डी ऐड कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा पास्ट वर्ब। ओके, सेकेंड फॉर्म इसे कहेंगे। तो ईजी वे में आपको क्या करना है, ई डी ऐड करके पास्ट वर्ब बनाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूजुअली डी और ई डी इज एडेड टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज इट इन इट्स पास्ट टेंस। एट इज इन दिस टू किक्ड एंड प्ले टू प्लेड। ओके, किक का किक्ड हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा। तो बच्चों आज का वर्क है, आपको यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है पास्ट टेंस क्या होता है, आप ऊपर से पास्ट टेंस मेंशन करेंगे और इसको राइट करेंगे। ओके, उसके बाद से आपको एक्सरसाइज, लुक एट दिस पिक्चर, कंप्लीट सेंटेंस इन पास्ट टेंस। अब लिसन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आई लिसन टू माई डॉटर। अब लिसन का हो जाएगा लिसेंट, ओके, लिसेंट। तो इसका सेकेंड फॉर्म आपको इसमें फिल करना है, आप थोड़ी सी हेल्प खुद से लेंगे, ओके, आप थोड़ा सा हेल्प आप वर्ब फॉर्म से लेंगे और इसको एक्सरसाइज अपने आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, बी, He dash at the book. अब देखिए बुक को देख रहा है, अब इसको पास्ट टेंस में करना है, तो he dash, look का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ईजी वे में आप क्या ऐड कर देंगे, ed, looked. तो यहाँ पे हो जाएगा he looked. ओके, मैंने एक बता दिया आपको, he looked at the book. वह बुक में देख रहा है। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से father work at the office. अब work का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फिल करिए, द शेफ डैश फॉर अस, क्या कर रहे हैं, कुक, कुक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एंड स्मिता डैश काउंट हर मनी। अब यहाँ पे काउंट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा आपको फिल करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। सभी बच्चे एक्सरसाइज 1, ओके क्लास थर्ड, एक्सरसाइज 1 आपको खुद से सॉल्व करना है और इस बात का ध्यान देंगे कि वर्ब जब भी आपको राइट करना है तो पास्ट टेंस को सेंटेंस राइट करेंगे कि द वर्ब दैट स्पीक अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड सम टाइम एगो इज इन पास्ट टेंस। ओके, और सिंपली डी और ई डी ऐड करके आपको
पास्ट टेंस वर्ब को राइट करना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर टुडे वर्क. ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर.